लगता है मेरा पति आ गया। क्या? पर तुमने तो बोला था वो ऑफिस चला गया, फिर कैसे आ गया? तुम पागल हो क्या? मुझे क्या पता कैसे आ गया। फिलहाल तुम एक काम करो, जल्दी से जाके छुप जाओ। कौन है यहाँ पे? अभिषेक, ये तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा, मुझसे झूठ बोल रहे हो? अभी रुको। क्यों अभिषेक, अब तो हो गई ना तुम्हें तसल्ली? या अभी भी मुझ पे शक है? I'm sorry baby, मुझे माफ कर दो please। बात यह है कि मुझे किसी ने बताया था कि तेरी बेबी किसी और के साथ है और तुझे धोखा दे रही है, इसीलिए मैंने गुस्से में आके सब चेक किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, माफी मत मांगो तुम। आई लव यू, बस आगे से मुझ पे कभी शक मत करना। हाँ हाँ पक्का, आगे से कभी मैं तुम पे शक नहीं करूंगा। अरे अभिषेक भाई, कैसे करके मानेगा? गेट तो बंद कर लेता कम से कम। अरे विकास भाई, वो खैर वो सब छोड़, तू बता तू कैसे आया? भाई मैं तो बस जा रहा था यहाँ से, तो सोचा तुझसे भी मिल लूं, पर तू तो भाभी के साथ। नहीं भाई वो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तू ले मजे, मैं बाद में मिल लूंगा। अबे ऐसी कोई बात नहीं है, तू अंदर आ, वैसे भी मिलता नहीं आजकल, बहुत बिजी रहने लगा है ना। चल तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं आ ही जाता हूँ। हाँ और क्या, आ अंदर बैठते हैं। चल सही है भाई, तू मिल गया, वरना तू तो ऑफिस में बिजी रहता है। हाँ भाई क्या करूं मैं, मेरा काम ही ऐसा है। हाँ भाई। अरे भाभी आप खड़ी क्यों हो, आओ बैठो। नहीं आप दोनों बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। बेबी सुनो, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ पानी। तुम पागल हो क्या जो यहाँ आ गए? भाभी कैसी हो आप? मुझे क्या पता अंदर ही होगा। भाभी जी अभिषेक आपको परेशान तो नहीं करता? कैसे लाऊं फोन? नहीं नहीं बिल्कुल परेशान नहीं करते वो मुझे। एक काम करो, वॉशरूम के बहाने से जाओ और अपना फोन ले आओ। और मैरिड लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है और अभिषेक मुझे बहुत खुश रखते हैं। अरे बस करो, बहुत होगी मेरी तारीफ, ये लो पानी पियो। अभिषेक भाई मुझे टॉयलेट जाना है। ये वाला तो खराब पड़ा है, तू ऐसा कर मेरे बेडरूम वाले में चला जा। बेबी सुनो, बेडरूम बहुत गंदा हो रखा है, मैं ऐसा करता हूँ साफ करके आता हूँ। अरे नहीं अभिषेक, तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ जाके साफ। नहीं बेबी तुम आराम से बैठो, मैं कर दूंगा साफ। अरे अभिषेक भाई तू कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं विकास भाई, तू चल मैं आ रहा हूँ। मैं भी ना कितना बुरा हूँ, खामोखा बेचारी पे शक किया और इतना सब कुछ सुना दिया। अब ऐसा करता हूँ ये चादर ठीक कर देता हूँ, खुश हो जाएगी बेचारी। ये पर्स किसका है? विकास? वैशाली ये पर्स किसका है? यार अभिषेक मुझे क्या पता ये किसका पर्स है? तुम्हें नहीं पता? हाँ अभिषेक मुझे सच में नहीं पता। विकास ये पर्स किसका है? मुझसे क्यों पूछ रहा है अभिषेक, मुझे क्या पता किसका पर्स है? तू तो मेरे बचपन का दोस्त है ना, फिर भी तूने मेरी बीबी के साथ मेरे ही घर में, छी शर्म आ रही है मुझे तुझ पे। और तुम, मैं तुमसे इतना प्यार करता था, लव मैरिज की मैंने तुमसे, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा, हमारी 4 साल की एक बच्ची भी है, तुम्हें उसका एक बार भी ख्याल नहीं आया? सुनो मुझे डाइवोर्स चाहिए, कल सुबह तक मैं पेपर रेडी करके तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं अभिषेक नहीं। और हाँ बच्ची को मैं अपने पास रखूंगा, समझी तुम? नहीं अभिषेक प्लीज नहीं। छोड़ो मुझे अभिषेक प्लीज।
प्लीज अभिषेक ऐसे मत करो, प्लीज अभिषेक मुझे मत छोड़ो। अब तो खुश हो जाओ वैशाली। अरे तुम पागल हो क्या? अरे अब क्या हुआ, हम यही तो चाहते थे कि तुम्हारा डाइवोर्स हो जाए और सिर्फ हम दोनों साथ में रहे। देखो तुम यहाँ से चले जाओ। पर हमारे प्यार का क्या होगा? मैंने बोला ना चले जाओ यहाँ से।